वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ जीत और मैं सर्वाइवल सीरीज़ का और एक न्यू एपिसोड लेके आ चुका हूँ। और अगर आप रेगुलर हो तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीकन कैसे आया और क्या कुछ हुआ और वीडियो इतना लेट से भी क्यों आ रहा है। तो पिछले वीडियो में मुझे नेदर स्टार मिला था विज़र को मारने से, तो एकदम से बीकन कैसे आ गया। तो क्या हुआ कि एक और भी वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने बनाया बीकन, पर वो वीडियो फाइल कहाँ चला गया, क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा। शायद किसी तरह डिलीट हो गया। तो मैं क्या किया था उस वीडियो में वो पहले दिखा दूँ, उसके बाद इस वीडियो के टॉपिक में आऊँगा। तो ऐसे पहले मैं चलता हूँ क्या किया था वहाँ पर। और एक बात बता दूँ कि आयरन का ब्लॉक और गोल्ड का ब्लॉक मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है गोल्ड का फार्म में, और आयरन पहले भी बहुत से माइन किए थे, तो उससे बिकन बनाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पिछले वीडियो में क्या किया था वो यहाँ पर देख लो। यहाँ पर बोन मिल बन रहा था, यहाँ पर एक बॉर्डर है। बेसिकली मैंने एक पूरा चंक माइन किया था, पर बुरी किस्मत फैल का क्या हुआ पता नहीं, मॉस के मदद से किया था और इनको ही फिर से बोन मिल भी बना रहा था। तो यही किया था, देख सकते हो कुछ ऐसा है। तो ये और क्या दिखाना, अब जाता हूँ यहाँ से। और गोल्ड आयरन ब्लॉक को लेके कोई कन्फ्यूज़न में मत रहना, क्योंकि वो पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ कि मेरे पास कितने हैं या फिर कितना नहीं है। बेसिकली मैं आज एंशिएंट सिटी जा रहा हूँ, जहाँ पे हो का काम तो ओबियसली है, क्योंकि इस काल का सारे ब्लॉक तो हो से जल्दी टूटता है, इसीलिए हो के साथ साथ बाकी सारे चीज़ों को थोड़ा रिपेयर कर लेने का सोचा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। यही तो सारे टूल्स और अरमर तो रिपेयर हो गए, अब चीज़ें जमा करना है वहाँ पर जाने के लिए। तो लगेगा तो सर्कल बॉक्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलते हैं, और ओबियसली साथ में कुछ पोशंस भी लगेंगे। तो वो सारे चीज़ कलेक्ट कर लो और आप लोग भी देख लो। तो सारे चीज़ तो रेडी हो गए, अब बड़ी है जाने की। तो मैंने इस तरफ आज तक कभी भी उतना ज़्यादा दूर तक नहीं गया, सिर्फ इस माउंटेन तक ही। तो मैंने सोचा इस तरफ ही जाया जाए, मैंने तो इस तरफ ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, तो यहाँ पर कुछ मिलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। एंशिएंट सिटी तो -54 या -58 के आसपास होता है, तो मेरा तो पहला गोल है एक बड़ा सा केव ढूंढना। अगर वो उतना अंदर तक नहीं जा रहा तो नीचे माइन करते चला जाना, यही करूँगा मैं। तो अब जाता हूँ कोई केव ढूंढता हूँ, उसके बाद फिर से बात करता हूँ। तो बी नेस्ट कलेक्ट करके थोड़ा दूर आया था कि यहाँ पर कैसा एक अजीब सा ही वर्ल्ड जेनरेट हुआ था। पानी के नीचे ग्रास ब्लॉक, बीच बीच में पानी नहीं है, क्या हो रहा था पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा अजीब था। देखो पानी के अंदर ऐसा ग्रास ब्लॉक है, पानी के बिना है सी ग्रास, क्या कुछ हो सकता है माइनक्राफ्ट में, देख ही लो। तो उसके बाद ऐसे भी आगे बढ़ गया। तो फाइनली एक केप तो मिला यहाँ पे, जो डिसेंट बड़ा तो लग रहा है अभी भी,
देखता हूँ अंदर जाके, अगर अच्छे कुछ नहीं मिला तो क्या किया जा सकता है। मैं नीचे स्ट्रेट डिग डाउन करना स्टार्ट कर दूंगा। क्या करूँ, सोच रहा हूँ कि एक नाइट विजन यूज ही कर लूँ, अभी तो साथ पड़े रहेंगे तो। हाँ थोड़ा बहुत तो बड़ा है ही, पर डिस्प्ले क्लियर तक नहीं जा रहा, तो पहली बार तो ट्राई कर ही लूँ, अगर मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो फिर से ढूंढना पड़ेगा और एक। हाँ तू आ पहले तुझे मार लो, उसके बाद नीचे जाऊँगा। और क्या लैग भी अभी भी करना है, इतने स्किन हील क्यों रहा है। ये लगा जा तू, जो भी हो अब जाता हूँ नीचे की तरफ, थोड़ा देखता हूँ इधर उधर, या फिर सोच रहा हूँ कि नीचे की तरफ ही माइन कर लो। ये तो केव सीधा जा रहा है लग रहा है दिखने में। हाँ सीधा ही है, ये तो नीचे की तरह ऊपर जा रहा है, इससे अच्छा कि मैं स्ट्रेट डिग डाउन ही कर लूँ। देखता हूँ कहाँ से करूँगा। लग तो रहा है कि मेरा लक सच में अच्छा है, वरना पहली बार मैं एंशेंट सिटी, मैं इस पूरे सिटी में स्निक करके ही चलने वाला हूँ, कब कोई वार्डन स्पॉन हो जाए। पर आसपास तो कोई स्निकर है नहीं, फिर भी स्निक करके ही चल रहे हो सेफ्टी के लिए। यहाँ पर उल है, उल में तो चला जा ही सकता है, तो देखता हूँ उल में, उल के ऊपर ही चलूँगा। उल के ऊपर चल के थोड़ी सिटी को घूम लो, उसके बाद देखता हूँ। क्विक वॉइस ओवर, मैंने बेड में रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर दिया और उसके बाद उल्स को भी तोड़ लिया, जिससे कहीं पर चलने में आसानी हो, और एक टावर बना के देख भी लिया कहाँ पे क्या कुछ है, और साथ में कुछ उल कलेक्ट भी कर लिया। तो मेनली एक्सप्लोरेशन तो स्टार्ट होता है एंशिएंट सिटी के अंदर। और हाँ, मेरे घर के वह के मुकाबले यहाँ पर तो लैग बहुत ज़्यादा, मतलब लैग नहीं है कहा जा सकता है, वहाँ पर लैग क्यों है पता नहीं, अगर लैग कमाने का कोई उपाय है तो बताना। जो भी हो अब तो जाता हूँ कुछ चेस्ट फाइंड करने। यहाँ पर मैं आया हूँ कुछ चीज़ों के लिए, पहला तो स्विफ्ट स्नेक, और उसके बाद है डिस्क का फ्रेगमेंट और इकोसर्ट। ये सारे चीज़ डिसेंट अमाउंट में मिलने के बाद ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अगर इंचेंटेड एप्पल मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला, वो देखा जाएगा। तो अब स्निक करके ही एक्सप्लोरेशन जारी रखता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो दिखाऊँगा, ना मिलता है तो भी दिखाऊँगा, और क्या। इस वीडियो में मैं वार्डन को मारूँगा या फिर वार्डन मुझे मार के भगा देगा वो तो मुझे नहीं पता, पर ऐसे ये सल्क स्ट्रीकर, सल्क सेंसर, ये सारे चीज़ तो लेके जाऊंगा ही, क्योंकि रेस्टोन में अच्छे से काम आएगा और बहुत से भी जगह में काम आएंगे। और ये वाला ब्लॉक नाम तो याद नहीं आ रहा, और नाम से क्या जाता है, ये सफ़ेद वाला जो ब्लॉक है, इसके आसपास अगर कोई मॉब मरेगा तो उससे ये सल्क का ब्लॉक स्पॉन होगा, तो ये भी अच्छा ही है, इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ, ये सारे चीज़ सिल्टर्स के टूल से टूटता है, इसीलिए सिल्टर्स को लेके ही जाना, मेरे पास तो सिल्टर्स पहले से ही है तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो और एक वॉइस ओवर, यहाँ पर मैंने सल्क के जितने हो सके उतने ब्लॉक कलेक्ट करने का कोशिश किया, और कुछ चेस्ट भी मिला साथ में, जहाँ पर इको सर्ट था, लेट था, आयरन का लेगिंग्स था, मैक्स इंचेंटमेंट का, पर आयरन का लेके क्या करूँ, जो भी हो। और बहुत से चीज़ें भी मिल रहे थे, स्केलेटन का स्कल चार्ज क्रीपर के बिना ही मिल गया, तो जितने लूट सको उतना लूट रहा था। सुन क्राफ्टी, अब मैं वॉइस ओवर करूँगा, ठीक है, बीच में मत बोलना। ठीक है, नहीं करूँगा इंटरप्ट, कर वॉइस ओवर। इंटरप्ट क्या होता है? अरे इंटरप्ट का मतलब बीच में और कुछ नहीं बोलूँगा, तू वॉइस ओवर कर। ठीक है, करता हूँ, कुछ भी बोलने का ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर। उसके बाद कैफ्टी को नेम टैग, लीड और इको सेट फिर से मिला, और उसके बाद फिर से वो आगे बढ़ गया। तो उसके बाद कैफ्टी ने फिर से नाइट विजन का पोशन लिया,
और जितना हो सके उतना सेल्फ का ब्लॉक कलेक्ट किया। इतना सेल्फ ब्लॉक से वो क्या करेगा मुझे तो नहीं पता, पर कर रहा है मैं बोल रहा हूँ। और कुछ देर बाद उसे और एक चेस्ट मिला जहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन तीन सेल्फ सिकर लगा हुआ था। तो और क्या, उन्हें पहले तोड़ने का काम किया, उसके बाद ही किया चेस्ट को खोलने का काम, वरना वार्डन स्पॉन हो जाता है तो वार्डन से इसका इतना फटता जो है। वार्डन से डर मुझे नहीं, तेरे को लगता है कोप्रो? हाँ हाँ मुझे भी पता है कि वॉइस ओवर हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं। मुझे भी पता है कि क्या कुछ हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी पता है, और अब बकबक ना करके वॉइस ओवर कर ठीक से। तो और क्या, क्राफ्टर की तरह इसमें भी बकवास लूट ही था, अच्छा कुछ तो था नहीं, जो जैसा उसको वैसा। ठीक है कोप्रू, तुझे और वॉइस ओवर करने का कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं ही वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो अब यहाँ से जा। नहीं नहीं क्राफ्टर, मैं ही कर रहा हूँ। नहीं तू जा, बाद में आना। बाद में कब? वीडियो खत्म होने के बाद। क्या कहे? नहीं नहीं कुछ नहीं, बाद में आना, यही कह रहा था। ठीक है बाद में ही आऊँगा, पर लास्ट और एक चीज़ बोल रहा हूँ, इसे और एक स्केलेटन उसका मिला, बाद में क्रिएटिव क्रिएटिव कोई नहीं करेगा। ठीक है, तब बहुत देर तक चेस्ट को लूटने के बाद, इधर उधर जाने के बाद, फाइनली एक चेस्ट मिलता है जहाँ पर दो स्नेकर लगा हुआ था, स्नेकर नहीं स्नेकर, और चेस्ट में मिलता है मुझे स्निफ स्नेक 2। तो मुझे और एक स्निफ स्नेक 2 चाहिए या फिर 3, जो भी मिलेगा चलेगा, या फिर दो स्निफ स्नेक 1। तो डायमंड का हॉर्स आर्मर भी था, ये सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ गया मैं। यहाँ पर बहुत देर से ढूंढ ढूंढ के एक जगह पे आया जहाँ पर चेस्ट रहने का चांस था, तो देखा चेस्ट भी था, पर वहाँ पर स्नेकर स्नीकर, तो उसके बाद सर के बहुत से चीज़ें भी थे, उन्हें पहले तोड़ रहा था, पर एक हादसा हो गया है पर कि स्नीकर तोड़ते तोड़ते यहाँ पर स्पॉन हो गया वार्डन, और उसके बाद ही मुझको इतना डर लगा कि मैं भाग के गया, देखा कि चेस्ट में क्या है, जो जो अच्छा मिला लिया और लेके भाग गया यहाँ से दुम दमा के, और टनल बना के उसके अंदर घुस गया। मतलब कि इतना डर मुझे आज तक पूरे गेम में कभी भी नहीं लगा। कोप्रो सच ही कह रहा था कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगा था यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पर कुछ देर तक रुकने के बाद मैं बाहर आया, फिर से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तब तक वार्डन भी ज़मीन के अंदर चला गया था, फिर से चेस्ट को लूटना स्टार्ट किया, जब तक कुछ अच्छा नहीं मिला तब तक लूटते ही गया। और मैंने ये भी सोच लिया था कि सारी चीज़ लूटना हो जाने के बाद एक वार्डन को स्पॉन करके मारने का कोशिश करूँगा, बट देखो क्या हुआ, ज़्यादा अच्छा कुछ तो मिल नहीं रहा था, फिर भी कोशिश करते जा रहा था। अच्छा चीज़ डिक्स फ्रेगमेंट या फिर हॉर्स आर्मर, ये सारी चीज़ तो ओबियसली अच्छा है, और क्या, देखो ये सारी चीज़ मुझे मिल गए अभी तक, इस सर्कल बॉक्स में रखा हूँ। अब ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा, देख लो कहाँ क्या कुछ मिला। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ तो मुझे मिल गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि अब जाता हूँ वार्डन को स्पॉन करूँगा, इसीलिए और स्निक करके नहीं चल रहा था, बल्कि मैं तो अब स्प्रिंट कर रहा था। तो अब कुछ चेस्ट भी मिलता है, पर ये पुराना वाला ही था। अब मुझे ढूंढना तो शिकार, क्योंकि बहुत से शिकार तो मैंने तोड़ दिया, सोच रहा था कि मिलेगा फिर या नहीं भी, तो एक्सप्लोर भी कर रहा था सच में, तो पहले वाले चीज़ ही बार बार मिल रहे थे। तो ऐसे एक्सप्लोर करते करते फाइनली मुझे एक जगह मिलता है जहाँ पर मिलता है मुझे खजाना, ही कह सकते हो क्योंकि पूरे सीरीज में कभी भी नहीं मिला, कह सकते हो क्या है, गेस करो, एन्चेंटेड एप्पल। देखो थोड़ी देर बाद ही मिलेगा, मैं थोड़ी देर पहले ही बता दिया ये चीज़, और वहाँ पर एक स्टिकर भी था, पहले तो वार्डन क्यों स्पॉन नहीं हो रहा था पता नहीं, पर जो जो भी गए ये अब तक का बेस्ट लूट चेस्ट था, क्योंकि यहाँ पर दो दो इंचेंटेड एप्पल, हॉर्स आर्मर, डायमंड का क्या कुछ नहीं मिला,
उसके बाद सारी चीज़ लूट करने के बाद सल्कर बॉक्स में रखा और उसके बाद जाके वार्डियन को स्पॉन करने का कोशिश किया। थोड़ी देर बाद वार्डियन स्पॉन भी होता है, उसके बाद क्या होता है वो आप लोग ही देख लो, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। हाँ यही हुआ, मैं दुमदुमा के भागा और क्या ही कर सकता था, मैं मर भी सकता था, बहुत ज़्यादा डर गया था। जो हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ, अगर मरता तो चीज़ें चला भी जाता और अब मैं घर में जाकर एक बार में मिलता हूँ। तो मैं अब फर्स्ट फॉरवर्ड में ही सब दिखा रहा हूँ, मैंने सारे स्विफ्ट स्नेक को लेकर स्विफ्ट स्नेक 3 बना दिया और लेगिंग्स में लगा दिया। और उसके बाद बहुत दिनों तक सोया नहीं था, इसीलिए फैंटम भी आए थे तो उन्हें भी थोड़ी देर मारा। इस टाइम चल रहा था थंडर, इसलिए सोचा कि एक चार्ज कीपर बना के उसे मारूँगा, पर कीपर को चार्ज करते करते थंडर स्टॉर्म ही ख़त्म हो गया, तो और क्या ही कर सकते हो। तो और क्या, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। वीडियो तो आज यहीं पर ख़त्म हो रहा है, और हाँ कोई नया चीज़ में काम चल रहा है तो एक नया सीरीज़ भी आएगा, अगर इंतज़ार में हो तो अच्छा बनना क्या कह ही सकता हूँ। तो अब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। और फैंटम तू है क्या कर रहा है, जाए ऐसा।